तो दोस्तों, जिसका हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जिस प्रो शो के, वो उसका रिजल्ट अब निकल गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड का सबसे फेमस पॉपुलर बॉडी बिल्डिंग शो मिस्टर ओलंपिया। फाइनली 2019 में मिस्टर ओलंपिया का रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो गया है और हमें मिल गया एक नया चैंप। तो दोस्तों, इस बार पार्टिसिपेट किए थे ब्रैंडन करी, विलियम बनैक, हैडी चोपान, डेस्ट जैक्सन, रोली विंकलर, स्टीव कुकलो, कैडिक मैकमेलियन, लुकास ओस्लेडिस। तो बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर इस बार कम्पीट किए थे, मगर इस बार हम फिलहित, बिग रामी और शॉन रोडन को कम्पीट करते हुए नहीं देखा, जो कि बहुत ही बड़े नाम है बॉडी बिल्डिंग का। अगर वो कम्पीट करते तो बहुत मज़ा आता, बहुत कंपटीशन एक स्ट्रॉन्ग और एक हाई लेवल का होता। तो खैर, जो कुछ भी हो, इस बार हमें एक नए फेस मिला बॉडी बिल्डिंग में, मिस्टर ओलंपिया में। तो दोस्तों, इस बार हम पहली बार हाड़ी चोपान को देखे, जो बहुत ही इम्प्रेसिव लगे थे, और उनका ये डेब्यू था मिस्टर ओलंपिया में, उनका ये डेब्यू था, और जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो एक बार डेब्यू करते हैं और फर्स्ट वही वो थर्ड प्लेसिंग लेके आते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, सबकी कंडीशन वाइज सबका बॉडी अच्छा था। डेस्टर जैक्सन 50 एज पे भी वो अच्छे दिख रहे थे, भले ही उनके थोड़ा पेट निकल आया है, ये तो एज का डिफरेंस है, मगर ओवरऑल की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। रोली विंकलर भी बेस्ट थे, उनका जो बड़ा बैक है, उनका जो चेस्ट है, उनका जो ट्रांजिशन वाली ट्राइसेप है, बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा था। हाड़ी चौपान की कंडीशन भी बहुत अच्छी दिख रही थी, उनके जो फाइबर्स वो निकल के आ रहे थे, मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा उनका बॉडी। बात करें ब्रैंडन करी की, तो सभी सोच रहे थे कि ब्रैंडन करी इस बार नए मिस्टर ओलंपिया बनेंगे, और जी हाँ दोस्तों, ब्रैंडन करी बीट कर दिए हैं यहाँ पे विलियम बनैक को, और बन गए हैं 2019 का मिस्टर ओलंपिया। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते आ रहे थे कि ब्रैंडन करी डे टू डे बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहे थे, उनके बॉडी को वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे थे। वो उनको हम देखे थे आर्नोल्ड क्लासिक में, जो कि ओलंपिया के बाद में एक बहुत ही बड़ा प्रो शो है, तो वहाँ पे भी उनका कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त था। हालांकि मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से, इस बार मिस्टर ओलंपिया में उनका कंडीशन थोड़ा सा मुझे डाउन लगा, क्योंकि जिस तरह वो अपने को रिप्रेजेंट किए थे आर्नोल्ड क्लासिक पे, उस तरह वो नहीं दिखे। फिर जो भी हो, ये बस मेरे ही ओपिनियन है, मगर सब अच्छा रहा। खुद बोलूँगा तो इस बार का ओलंपिया मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना पिछले बार हुआ था। पिछले बार जो ओलंपिया हुआ था, बहुत ही टक्कर का हुआ था, मुकाबले का हुआ था, इस बार वो नहीं हो पाया, क्योंकि इस बार बड़े बड़े हस्ती जो थे, फिलहित, बिग रैमी, शॉन रोडन, वो हमें नहीं दिखाई मिले। फिर जो भी हो, ये बस एक मेरा ओपिनियन था। फिर आपका राय क्या है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी उनका प्राइज मनी के बारे में बात कर देता हूँ, कि कितना प्राइज मनी किसको मिला है। फास्ट प्लेसिंग लेके आते हैं ब्रैंडन करी, जिनको मिलता है $400,000। फिर सेकेंड आते हैं विलियम बनैक, जिनको मिलता है $1,50,000। थर्ड आते हैं हाड़ी चौपान, जिनको मिलता है $1,00,000। डेक्स्टर जैक्सन, जिनको मिलता है $45,000। फिर फिफ्थ में आते हैं रोली विंकलर, जिनको $40,000 मिलता है। और सिक्स में आते हैं स्टीव कुकलो, सेवन में आते हैं कैडलिक मैकमेलियन, एट में आते हैं लुकास ओस्लेडिल, नाइन में आते हैं अकीम उस्लम। तो दोस्तों, यही था एक शॉर्ट वीडियो आज के मिस्टर ओलंपिया के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छा लगे। फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो पे, तब तक फिट रहे, हेल्दी रहे और खुश रहिए।